छह सारे कुत्तों ने काट लिया। अब कैसी है आपकी तबीयत? अब ठीक है। आँख के पास भी लगी है आपके? कितने कुत्ते थे? दस कुत्ते थे। फिर कैसे बचाया आपको, किसने बचाया? पायल ने अपने मामा के कहने पर कह तो दिया बढ़िया हूँ, लेकिन जिस 6 साल की बच्ची को कुत्तों के झुंड ने इतनी बेरहमी से नोचा हो, वो भला बढ़िया कैसे हो सकती है, जिसके चेहरे पर कुत्तों ने नाखूनों से वार किया हो, जिसके सिर के आधे बाल गायब हो गए हों, वो भला बढ़िया कैसे हो सकती है। नमस्कार, मैं हूँ आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजधानी जयपुर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, पार्क में, किसी कॉलोनी में आवारा कुत्ते आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन नगर निगम लापरवाह बना बैठा है। निगम ग्रेटर मुख्यालय जॉन कार्यालय से 500 मीटर के दायरे में भी कुत्ते कई लोगों को काट चुके हैं, लेकिन ग्रेटर की पशु प्रबंधक शाखा आंखें मूंदे बैठी है। अब ये देखिए, जिस हॉस्पिटल में लोगों का इलाज होता है, वहीं यदि आवारा कुत्ते घूम रहे हैं तो बाकी जगह की स्थिति क्या होगी। कुत्तों के काटने के चलते पायल के सिर पर 12 टाके आए हैं और वो इस वक्त जयपुर के SMS हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके पापा मुंबई में गाड़ी चलाते हैं और मम्मी की अभी डिलीवरी हुई है। ऐसे में हॉस्पिटल में उसकी देखभाल उसके दोनों मामा और मामी कर रहे हैं। जयपुर में आवारा कुत्तों का शिकार केवल पायल ही नहीं हुई है। जयपुर के शाहपुरा की 5 साल की शीतल को भी कुत्तों ने इतनी बुरी तरह से नोचा कि उसके फेफड़ों में छेद हो गया। छेद इतना गहरा हो गया कि चेस्ट ट्यूब तक लगानी पड़ी। पहले शीतल को घर के पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ी तो 25 दिसंबर को उसे जयपुर के जेके लॉन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। इसे लेकर हमारे रिपोर्टर चेतन ने जेके लॉन हॉस्पिटल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर हरिराम मीणा से शीतल की हालत को लेकर जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि बच्ची की हालत अब पहले से बेहतर है। बच्ची को मल्टीपल जगह, बहुत सारी जगह पर इंजरी है, कुत्ते ने काटा है, लेकिन एक जगह बहुत ज़्यादा घाव था जिसमें दांत लगा कुत्ते का, और उस जगह इंजरी ज़्यादा हुई जिससे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हुई है और सूजन आया है। तो अब क्या दिक्कत, मतलब कितनी जगह से काटा उसको, उधर प्रॉपर्ली मतलब एक बार इलाज, मतलब किसके देख रेख में है वो और अब क्या स्थिति है? अब बच्चे के जो घाव है उनमें सुधार आ रहा है, लेकिन एक घाव के अंदर, उसकी छाती के अंदर चेस्ट ट्यूब डाली हुई है और उसमें भी सुधार आ रहा है पहले से, और डॉक्टर अरविंद शुक्ला जी की यूनिट के अंदर सर्जिकल ICU के अंदर भर्ती है और अब सुधार ज़्यादा है पहले से। वही शीतल की हालत जानने के लिए शाहपुरा से निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल भी जेके लॉन हॉस्पिटल पहुंचे और शीतल को बेहतर ट्रीटमेंट देने की बात कही। तो वहीं शीतल के चाचा से जब रिपोर्टर चेतन ने बात की तो उन्होंने उस दिन के खतरनाक मंजर के बारे में क्या कुछ बताया, आप खुद सुनिए। स्कूल के लिए जा रही थी और स्कूल में बढ़ने लगी, जब और भी बच्चे थे इनके साथ तो और बच्चे तो भग गए, मगर इसको पकड़ लिए कुत्ते ने, पागल कुत्ते थे वो, तो पकड़ लिए, इस प्रकार से पकड़ लिए कि बच्चे उठ नहीं पाए और जगह जगह से काटे, बहुत बुरी तरह काटे। फिर वहाँ से ले गए सापरा में ले गए सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल वाले ने कुछ नहीं किया, पट्टी करके और रेफर कर दिया, टोमस सेंट्रिया में ले जाओ। टोमस सेंट्रिया से फिर वहाँ पे 2 दिन रही बच्ची, वहाँ पे कोई केयर नहीं हुई, नलकी लगा के छोड़ दी और इंजेक्शन वगैरह लगा दिए, वैसे केयर नहीं हुई, उल्टी करती रही बच्ची, मतलब घायल तरीका से हुई। कल मैंने यहाँ पे लेके आया जेके लॉन में, तो यहाँ पे थोड़ी केयर हुई, अब थोड़ी सुधार है बच्ची में। पायल और शीतल के अलावा जयपुर के ज्योति नगर में भी 8 साल की तनुजा कुत्तों की हैवानियत का शिकार हुई है। तनुजा मंदिर से लौट रही थी, इसी दौरान कुत्ते ने उसे बुरी तरह काट लिया। यदि जयपुर में डॉग बाइट के मामलों के आंकड़ों की बात करें तो अकेले SMS हॉस्पिटल में ही हर दिन 25 से 30 मामले डॉग बाइट के आते हैं। इसके अलावा अक्टूबर में 498, नवंबर में 568 और दिसंबर में अभी तक 580 मामले आ चुके हैं, और यदि इस साल के पूरे आंकड़ों की बात करें तो कुल मिलाकर 7168 मामले डॉग बाइट के आ चुके हैं। आवारा कुत्तों से लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक इसे लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। जयपुर से ये खबर भेजी है हमारे सहयोगी चेतन गुर्जर ने।
राजस्थान तक की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार।